परम पूज्यवर साहेब जी, अर्चनी वन्नी संसमाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, अभी बीच में साहेब बता रहे थे, हल्का बेस बढ़ाएंगे, आवाज खोलेंगे और चने की तरह दिखता है खीरा, उसका मूल्य करोड़ों में जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा उस माध्यम से। जब किसी चीज को तराशा न गया हो तो उसका कीमत कोई नहीं जानता है, और जब किसी चीज को तराश दिया जाता है तो उसका कीमत जो रोडों में पड़ा हुआ है उसका कीमत लाखों और करोड़ों में जाता है। कुल मिलाकर के करना क्या है? जीवन को तराशना है, और सत्संग उसी लिए किया जाता है। सत्संग उसी लिए किया जाता है, जीवन को तराशना है। कैसे तराशा जाता है मैं उस पर कुछ देर बताऊं आपको। मैं जब आप घर में पानी खोलते हैं तो हजारों लीटर पानी मोटर चालू करके यूं ही बहा देते हैं, लेकिन उसी पानी को तराश दिया जाता है, उस पानी का कीमत कितना बढ़ जाता है। जब उसी पानी को एक रिफाइंड से फिल्टर कर दिया जाता है और एक बेसलरी के बॉटल में भर दिया जाता है तो 20 लीटर के बॉटल का पानी आपको 50 से 100 रुपया मिलता है, लेकिन उसी पानी को रिफाइंड करके SI मार्क का लगा दिया गया, 1 लीटर के बोतल पे भर दिया गया, वही पानी 20 रुपये में मिलता है। वही पानी एयरपोर्ट में चले जाते हैं 50 रुपये लीटर में मिलता है। वही पानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में चले जाते हैं 100 रुपये मिलता है। जगह बदल दिया गया, रिफाइंड कर दिया गया, कीमत बढ़ जाता है। हमने अपने जीवन को कितना तराशा है? यदि हमारा जीवन तराशा हुआ जीवन होता तो हमारे शब्दों में कटुता नहीं आती, हमारे शब्दों में गाली गलौज नहीं आता, हमारे मन में गंदे विचार नहीं आते, हमारे जीवन में क्रांति का लहर पैदा हो जाता, हर समय चेहरे में मुस्कान, आनंद के बादशाहत की जिंदगी जीते। हमने जीवन को नहीं तराशा है, जीवन को नहीं तराशा है। क्या चीज तराशे हैं? मकान को तराशे हैं। मकान खप्पर था, अब स्पेशल VIP मकान बन गया, टाइल लग गया, मार्बल लग गया, ग्रेनाइट लग गया, फाल सीलिंग हो गया, पुट्टी हो गई, मकान को तराशे हैं। मोबाइल भी तराशे हैं। पहले कीपैड मोबाइल था, अब एंड्रॉइड मोबाइल हो गया है। पहले साइकिल था घर में, अब 4-व्हीलर गाड़ी हो गई है। पहले बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, अब बच्चे इंग्लिश मीडियम से बात करते हैं, अंग्रेजी से बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। किसको तराशे हैं? ये भी तराशना जरूरी है। मकान को तराशना जरूरी है, घर को तराशना जरूरी है, जीवन को उससे ज्यादा कहीं जरूरी है जीवन को तराशना। पानी को फिल्टर कर देने के बाद पानी का कीमत कितना बढ़ जाता है। जब हमारे भारत देश में बॉयलर में आता है पेट्रोलियम आता है तो बॉयलर में लगभग 25-30 रुपया लीटर मिलता है। वही तेल को रिफाइंड कर दिया जाता है, आपके घर पहुंचते पहुंचते 113 रुपया लीटर में मिलता है, 113 रुपया लीटर में मिलता है। आपके घर में एक लोहा पड़ा हो, साधारण से चीज लोहा पड़ा हो, ऐसे ही पड़ा हो, जब आप कबाड़ी के पास बेचते हैं तो लोहा कितने में जाता है? मात्र 20 रुपया किलो में। जब वही किसी कलाकार के पास से खरीदते हैं तो उसको आकार दे देते हैं और सुंदर रूप दे देते हैं, खिड़की का दरवाजे का आप 80 रुपये में लेते हैं। आप जीवन को तराशेंगे तो आपका कीमत बढ़ जाएगा। हीरे को जब तराशा नहीं गया, हमारा सूरत आश्रम में, हमारा आश्रम है सूरत में, और वहाँ डायमंड सिटी, अच्छा याद आए तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी जो राम मंदिर बना उसमें 11 करोड़ रुपया गोविंद भाई ढलोकिया ने दिया है, जो सूरत शहर का प्रसिद्ध व्यापारी है, डायमंड व्यापारी, हीरे का काम करता है, गोविंद भाई ढलोकिया ने 11 करोड़ रुपया दिया है, उनकी श्रद्धा है,
मैं अपनी बात पर आऊं, हीरे को जब नहीं तराशा जाता है, हम कच्चे हीरे भी देखे हैं, हमारे भक्त लोग है लाए थे तो कहे साहब ये कच्चा हीरा है, इसको नहीं तराशा गया है, ये कच्चे हीरे का कीमत अभी 1.5-2 लाख रुपया है, लेकिन इसे हीरे को तराश दिया जाएगा तो ये कीमत इसका 5-7 लाख रुपये तक चला जाएगा। हीरे को तराशने के बाद उसके 56 पहल चमकदार हो जाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन को तराश देंगे ना, आपका 56 पहल चमकदार हो जाएगा। आपके पड़ोसी आपसे प्रेम करेंगे, आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, आपके पुत्र, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके दुनिया वाले आपसे प्रेम करेंगे। और जब अपने जीवन को नहीं तराशेंगे तो अपने ही माँ बाप हमको दरकिनारे कर देंगे और या अपने ही बच्चों से हम बेदखल कर दिए जाएंगे। जीवन को नहीं तराशेंगे तो आज अवसर मिला है तराशने का। बहुत से लोग हैं जो सत्संग करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, जीवन को तराशना चाहिए, बड़ी लंबी लंबी चर्चा सुनते हैं, वार्ता सुनते हैं, लेकिन 40 साल से एक पाउच खा रहे हैं घुटका, उसको नहीं छोड़ पाते हैं। मैं पूछा एक भक्त को, आप कितने साल से सत्संग से जुड़े हैं? कई साहब जी मुझे 40 साल हो गए, बड़ा गर्व से बताता है, और घुटका खाने में उनको दिक्कत होती है, दांतों से चबाया नहीं जाता है, तो करता क्या है, गुटखा के पाउच लेता है और पाउच लेकर के उसको पैकेट में ही एक छोटी सी हथौड़ी रखा है अपने जेब में, उसको उसको कूट देता है, उसको कूट देता है, तब अंदर जहर डालता है। वो सत्संग कर रहे हैं, गुटखा नहीं छूटा, सत्संग कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं छूटा, सत्संग कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं छूटा, किसके लिए सत्संग करते हैं? दुनिया के सिलमोहर लगाने के लिए। सदगुरु कबीर के विचारों में सीधा गोलियां दागी जाती है बस, और पूजा और पाठ से बस जीवन बदल जाए ये भी संभव नहीं। पूजा और पाठ श्रद्धा से हो तो जीवन बदल जाता है, मैं ये चीज मानता हूं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर करते हैं। कबीर साहब की भी ऊपर ऊपर आरती उतार लेते हैं, श्री राम के भक्त है श्री राम की ऊपर ऊपर आरती उतार ले रहे हैं, कृष्ण के भक्त कृष्ण की ऊपर ऊपर आरती उतार ले रहे हैं, पूजा वो नहीं है। और हकीकत में पूजा क्या है? पूजा किसी की आरती कर लेना पूजा नहीं है, ये भी जरूरी है, लेकिन पूजा हकीकत में उतना ही पूजा नहीं है। किसी को फूल माला चढ़ा देना, किसी की आरती कर लेना, उतना ही पूजा नहीं है। हकीकत में पूजा वो है जो किसी के दुख में दर्द में अंदर द्रवित हो उठना, मन में एक पहल हो, मन में एक तिलमिलाहट हो उठना, किसी के दुख और स्थिति को देख करके मन में एक प्रेरणा जागना कि आदमी की स्थिति ठीक नहीं है, मैं इनके साथ हेल्प करूं और उनके दीनहीन स्थिति को मैं सुधारूं। एक गरीब आदमी है जो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको देख करके मन में हुआ कपड़ा ले दिए, ये पूजा हो गया। एक आदमी के पास भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, उनके लिए अन्न खरीद दिए, ये पूजा हो गया। एक मंदिर में जा रहा था एक आदमी पूजा करने के लिए, एक भिखारी बाहर बैठा था और भीख मांग रहा था, भैया मैं 3 दिन से भोजन नहीं किया। आदमी करता क्या है, मंदिर में ले जा रहा था 5 लीटर दूध, लेकिन जितने भिखारी बैठे थे सभी को ला करके डिस्पोजल से दूध पिला दिया, और उन्होंने कहा आज मैं असली भगवान को दूध पिलाया हूँ, मंदिर के अंदर नहीं जाता है, वहीं से लौट करके वापिस आ जाता है। सच में पूजा ये है, हम कितनी पूजा करते हैं। और हमारे कबीर, मैं आज ही गुरुदेव जी का विचार सुन रहा था, यहाँ लगा था, कबीर पंथ को कबीरपंथी बर्बाद करते हैं, और ईसाई ईसाइयत को बर्बाद करते हैं, मुसलमान भाई ही मुसलमान के अपने जो नियमों हो उसको बर्बाद करता है, अपने ही समाज को हम बर्बाद करते हैं। कबीर साहब के विचार आदमी के अंदर नहीं घुस पाया और कबीरपंथियों ने कुछ आडंबर भी शुरू कर दिए। मैं आज कड़वी शब्द कह रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। पूजा पाठ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पूजा और पाठ पर काम नहीं बन सकता, या तो इन चीज नहीं करना चाहिए। क्या चीज सदगुरु कबीर साहब के मैं एक साखी कहना चाह रहा हूं। बड़े बड़े व्यास गद्दी में कबीरपंथी बैठ करके क्या कहते हैं, डंके के चोट में कहते हैं, हमारे कबीर साहब ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार। बड़े व्यास गद्दी में बैठ करके पिट ठोक करके कहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब घर में जाता है तो घंटों घंटों माथा रगड़ने से नहीं भूलता है। सदगुरु कबीर के साखी उनको कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों को छू पाना सहज नहीं है।
आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, आप पूजा करते हैं गलत भी नहीं है, इस चीज को विरोध नहीं। विरोध तो तब कर रहा हूं मैं क्योंकि सिर्फ पूजा हो रही है, सिर्फ पूजा हो रही, कबीर साहब की पूजा हो रही है, लेकिन कबीर साहब के विचारों को किनारे कर दिया जा रहा है, माता पिता की पूजा नहीं हो रही। एक चीज और करना चाहूंगा मैं, पूजा करना हो तो पूजा आप जिसकी करना है करिए, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण है प्राइमरी वो नहीं है जिसकी आप पूजा करते हो, प्राइमरी नहीं, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी होना चाहिए माता पिता की पूजा। कितने घरों में माँ बाप की पूजा होती है, माँ बाप को दरकिनारे कर दिया जाता है, माँ बाप को भोजन के लिए तरसा दिए जाते हैं, माँ बाप से प्रेम से बात नहीं करते हैं, माँ बाप के चरणों में मत्था नहीं टेकते हैं, माँ बाप के गले में कभी हार अर्पित नहीं करते हैं, माँ बाप के सामने दीप प्रज्वलित करके कभी आरती नहीं उतारते हैं। पत्थर की मूर्तियों की पूजा तो कर लेते हैं, जीवित भगवान की कभी पूजा करके देखिए आप, आपका घर कैसे बदलेगा, आपके बच्चे कैसे बदलेंगे, आपके घर के माहौल कैसे बदलेगा। सिर्फ बाहरी पूजा से जीवन नहीं बदलता है आत्मीय बंधुओं, अंतर परिवर्तन होना चाहिए, विचारों का परिवर्तन और घर का माहौल बदलना चाहिए। बूढ़े माँ बाप को आपके, जब बूढ़े माँ बाप होते हैं बुढ़ापे के, बुढ़ापा में आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, वो अपना पाई पाई जोड़ता है और सब कुछ बच्चे को सौंप देते हैं। और जब वही बूढ़े माँ बाप बुढ़ापा में कुछ करना चाहता है, किसी को दान पुण्य करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपने बेटा से पैसा मांगता है तो कहते हैं पापा आपको पैसे की जरूरत ही क्या है, आपके दवाई का इलाज पानी की व्यवस्था मैं करता हूँ, भोजन की व्यवस्था मैं करता हूँ, कपड़े की व्यवस्था मैं करता हूँ, भला तुमको पैसे की क्या जरूरत है। उन्हीं के कमाए संपत्ति से उन्हीं को अंगूठा दिखा देते हैं। और वही माँ बाप वो बेटी के पास जाकर के बोलती है, बेटी मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं है, 1,000 रुपया मुझे दे देना। उनकी बेटी जिसको छोड़ दिए हो, दूर चली गई हो, वो बेटी उनको प्यार से देती है, पापा जब जब तुमको पैसे की जरूरत हो मुझे कहना, मैं तुम्हारे लिए पैसा ला दिया करूँगा। कौन सी पूजा है, माँ बाप की पूजा करना मत भूलिए। जीवन में जिसकी पूजा करना है आप करिए, लेकिन माँ बाप के चेहरे का मुस्कान बना रहे, माँ बाप के चेहरे में प्रसन्नता बना रहे, इसके लिए कबीर साहब के मैं अपने विचारों पर आऊं, जीवन को तराशा कैसे जाता है, पानी को तराशने से पानी का कीमत बढ़ा, तेल को तराशने से तेल का कीमत बढ़ा, हीरा को तराशने से हीरे का कीमत बढ़ा। और एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं, जीवन को तराशने से जीवन का कीमत कैसे बढ़ता है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत के पास जाकर के पूछता है, संत भगवान मेरे जीवन का कीमत क्या होगा। आप सभी अपने जीवन का कीमत लगा पाएंगे, आपसे बेशकीमती इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके कीमत के सामने सारे दुनिया का ऐश्वर्य, सारे दुनिया का पैसा, धन दौलत सब कुछ फीका पड़ जाएगा। क्यों कह रहा हूं, कोई है जो 50 लाख 5 लाख रुपया दे करके भी अपने आंख देना चाहेगा। चलो आंख छोड़ दो, एक दांत को तोड़ना चाहेंगे कोई देगा 2 लाख रुपया दे करके, एक पैर को काटने देगा, कितना कीमत है आपका। एक किडनी को दे दो आपको 5-7 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया मिलेगा, कोई चाहेगा कि मेरा किडनी दे दूं मैं। आपका कीमत आप सोचिए कितना कीमत है। एक व्यक्ति ही ऐसे संत के पास गया और संत के पास जाकर के पूछते हैं, भगवान मेरी कीमत क्या होगा, मैं अपना मूल्य कैसे समझूं मैं। उन्होंने कहा, इन बातों को छोड़ो, आप अपना कीमत लगाइएगा, कितना का होगा आपका जीवन का कीमत। उन्होंने कहा, अपना बैठा था वहीं, एक बक्सा निकाला और बक्सा निकाल करके उन्होंने एक कपड़ा में बांध करके एक सामान दिया और कहा, इसका सिर्फ रेट पता करके आना, इसको बेचने की गलती मत करना। वो व्यक्ति वहां से निकलता है और देखता है क्या दिया है महाराज जी ने, एक चमकीले पत्थर दिया है। जैसे ही बाहर निकलता है, कबाड़ी जो कबाड़ लेता है लोहे टीपे प्लास्टिक जूता चप्पल लेने वाले के पास पूछता है, आप इसका क्या कीमत देंगे। कबाड़ लेने वाले कहते हैं, भाई साहब तुम्हारे पत्थर चमकीले और अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं आज सबसे ज्यादा कीमती मैं लोहा खरीद सकता हूँ और लोहे के भाव में मैं 20 रुपये किलो पर खरीद सकता हूँ। वो आदमी संतोष, सिर्फ रेट पता करना है, वो आगे बढ़ता जाता है, आगे जाता है एक सब्जी बेचने वाले के पास। सब्जी बेचने वाले भी वही व्यक्ति कहता है, मेरे पास कीमती में भी टमाटर है, टमाटर के भाव पे मैं 40 रुपये किलो पे खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे जाता है एक एल्युमिनियम के व्यापारी के पास। एल्युमिनियम के व्यापारी कहते हैं, मैं आपके पत्थर को मैं 400 रुपये किलो पर खरीद सकता हूँ।
पीतल के व्यापारी कहता है मैं 800 रुपए किलो पर खरीद सकता हूँ, वो आदमी को संतोष नहीं होता, एक चांदी के व्यापारी के पास जाता है, कहता है चांदी के व्यापारी मैं 80,000 रुपये पे खरीद सकता हूँ किलो पे, वो आदमी को और संतोष नहीं हुआ। एक सोने के व्यापारी के पास जाता है, सोने के व्यापारी कहता है आपके पत्थर को मैं 8 लाख रुपये तक खरीद सकता हूँ। 8 लाख रुपये में 1 किलो सोना नहीं आ जाएगा, लेकिन भाई अभी 10 ग्राम सोने का कीमत 70,000 रुपया है। मैं बेचता नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं रेट, अभी 10 ग्राम सोने का कीमत 70,000 रुपया है। आप सोच लीजिए कितना बेशकीमती है हीरा। 20 से 40 गया, 40 से 400 गया, 400 से 800 गया, 800 से 80,000 गया, 80,000 से 8 लाख रुपया गया, 8 लाख रुपया से एक बड़े व्यापारी के पास जाता है तो कहते हैं तुम्हारे पत्थर को मैं 8 करोड़ में खरीद सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति आगे जाता है जो एकदम फिक्स रेट दुकान में, वो कहते हैं इन पत्थर को कोई तुम अपने इलाकों को बेच करके भी इन पत्थर को नहीं खरीद सकते, दाम नहीं चुका सकते, क्योंकि यह साधारण पत्थर नहीं, एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा है। जगह बदलते गए, उस पत्थर का कीमत बढ़ता चला गया, आपका जीवन का कीमत कितना होगा आप बताइए। आप जब शराबी के साथ जाते हैं तो शराबी कहलाते हैं, ओनली शराबी कहलाते हैं, आपका कीमत शराबी कहलाने लायक होता है। जब जुआड़ी के साथ जाते हैं तो जुआड़ी कहलाते हैं, नशेड़ी के साथ जाते हैं तो नशेड़ी कहलाते हैं, वकील के साथ जाते हैं तो वकील, जज के साथ जाते हैं तो जज, और किसी अच्छे आदमी के साथ जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, और किसी साधु को संत के संत संग करना शुरू कर देते हैं तो लोग कहते हैं गाँव वाले ये तो साधु आदमी है, साधु आदमी है, और कहीं संग करते करते जीवन तब्दील हो जाता है, जीवन साधु और संग में रंग बदल जाता है, बाहर का रंग बदल जाता है, अंदर का रंग बदल जाता है, साधु और संतों में जीवन पूरा तब्दील हो जाता है। लोग पहले वो व्यक्ति पहले लोगों के पास जाकर के मत्था टेका करता था, आज उनका जीवन बदल गया, उनका चाल ढाल बदल गया, कपड़े बदल गए, जीवन बदल गए, मन बदल गया, चरित्र उज्ज्वल हो गया, आज उस व्यक्ति का कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, वो कीमत आज लोग उनके सामने जा करके मत्था टेकते हैं, उनका चरणोदक लेते हैं, जिसे संत और भगवान कहते हैं। क्या किया है उन्होंने? घर बदलने से जीवन नहीं बदलता है, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता है, उन्होंने आंतरिक परिवर्तन किया, विचारों को बदला और जीवन जीने के शैली को बदला, जीवन का कीमत बढ़ गया। यदि आप भी जीवन को तराश देंगे, आज गाली दे रहे हैं, गाली देना बंद करके मीठा बोलना शुरू कर देंगे, आपके बच्चे आपसे नफरत करते हैं, आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे, आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप बुढ़ापे में अच्छा से जीना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जीभ पर लगाम रखिए। जीभ पर लगाम क्यों कह रहा हूँ? जीभ एक है, काम तीन है, जीभ से रसपान करते हैं, भोजन करते हैं और उससे बोल वाक्य भी बोलते हैं। अगर थोड़ी भी असावधानी हुई तो जैसे दो जाते के बीच में जो दाल होता है वो पीस जाता है, वैसे ही थोड़ी भी असावधानी हुई तो हमारा दांत दो दांतों के बीच में जीभ कुचल दिया जाएगा और जीभ कट जाएगा असावधानी हुई तो, और जीवन में बोलते बोलते असावधानी हुई तो जीभ ही नहीं कटेगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन तबाह हो जाएगा। यदि बुढ़ापे में प्रेम चाहते हैं, बुढ़ापे में आनंद से जीना चाहते हैं तो एक ही सूत्र याद रखिएगा कि मुझे प्रेम से मीठे वचन और सुगर से घुले हुए शब्दों का प्रयोग करना है। एक ही वाक्य आप दिमाग में रखिएगा कि मुझे बहुत अच्छा प्रीकर हितकर मधुकर वाणी का प्रयोग करना है। वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज और परिवार टूटता है और जुड़ता है। पेड़ में फल लदे होते हैं, जितने ही लंबे समय तक पेड़ में फल लदा होता है उतना ही वो मीठा होता चला जाता है, और आदमी जितने लंबे समय तक शरीर में टिका होता है आदमी कड़वा होता चला जाता है। यदि साधना और भजन नहीं करता है तो आदमी कड़वा होता चला जाता है। इसलिए जीवन को संवारिए, जीवन को सुंदर बनाइए और अपने जीवन को तराशते जाइए। जितना अपने जीवन को तराशेंगे उतना ही आपसे सब प्रेम करना शुरू कर देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।